हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर केमिस्ट्री टीचर अब्दुल्ला कायम खानी फ्रॉम इंग्लिश एंड इंस्टीट्यूट। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हमने स्टार्टिंग लिया था केमिस्ट्री का, उसमें हमने जो है केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी, बहुत ही डिटेल डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने जो है डेली लाइफ में हमारे केमिस्ट्री के कुछ केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेसेस कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो हमने पढ़े थे। उसके बाद जो है हमारा टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही एक वाइड सब्जेक्ट है। इसको पढ़ने के लिए साइंटिस्ट ने जो है इसको डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर क्लासिफाई कर दिया। तो केमिस्ट्री की जो मेन ब्रांचेस हैं वो 11 ब्रांचेस हैं, ठीक है। उनमें सबसे पहले आती है फिजिकल केमिस्ट्री। अब भाई फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। किसके साथ डील करती है ये वाली ब्रांच? हम किस चीज को स्टडी करते हैं इस वाली ब्रांच में? रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। भाई किन चीजों का रिलेशनशिप? बिटवीन कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमने मैटर पढ़ा था ना लास्ट क्लास में हमने, तो मैटर भी जो है वो एटम से मिलकर बना हुआ होता है। अब उसकी जो बनावट होती है, उसकी जो कॉम्पोजिशन होती है, यानी कि वो मैटर जो है वो किस तरह से अरेंज हुए हुए होते हैं, उसी पे बेस करती है किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज। तो कॉम्पोजिशन के साथ जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी उनके बीच में रिलेशनशिप हम किस में स्टडी करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। फर्दर मोर विद द चेंजेस इन देम, और फिर उस कॉम्पोजिशन में अगर चेंजिंग आएगी तो फिर उस चेंजिंग के साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आएगा वो भी हम किस में स्टडी करते हैं? हमारी ब्रांच में, फिजिकल केमिस्ट्री ब्रांच में। इसके अलावा इस ब्रांच का एक और पार्ट है, इट ऑल्सो डील्स विद द laws and principles governing the combination of atoms in a chemical reaction. अब जो chemical reaction हो रहा है उसमें जो atoms और molecules आपस में मिल रहे हैं वो किसी ना किसी rule के तहत, किसी ना किसी law या principle के तहत आपस में मिल रहे होंगे, तो उस चीज को भी हम किस में study करते हैं? physical chemistry में study करते हैं। उसके बाद हमारी second branch है organic chemistry। अब भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। जैसे जैसे आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे, नाइन्थ, अभी हमारा नाइन्थ का जो है पहला चैप्टर चल रहा है, आगे आप पढ़ोगे मैट्रिक में आपका चैप्टर आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर में, इंटर में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे जो है केमिस्ट्री की सबसे अच्छी ब्रांच लगती है, क्योंकि ये बहुत ही वाइड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना, इसमें डेली जो है आपके अपडेट आता रहता है, क्योंकि आपकी जो मेडिसिन वगैरह बनती है ना वो भी तकरीबन इसी से रिलेटेड होती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किस चीज को स्टडी करते हैं? दैट डील्स विद द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब भाई हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन एंड कार्बन हो, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों साथ में आए उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो भाई डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि अगर हम दही की बात करें, योगर्ट, दही क्या होता है, किस चीज से बनता है? दूध से बनता है। तो दही जो है दूध से ड्राइव किया गया है, तो दही क्या हुआ? दूध का डेरिवेटिव हुआ। अब उसी तरह हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसको स्टडी कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन्स को। तो हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन्स वाले कंपाउंड्स और उनसे मिलकर जो कंपाउंड्स बनते हैं उनके डेरिवेटिव, उन सबको हम किस में स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? डील्स विद द ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। अगर हम बात करें केमिकल्स की, तो केमिकल्स हमारे पास जो है वो दो तरह के होते हैं, या तो वो ऑर्गेनिक होगा या फिर वो इनऑर्गेनिक होगा। हमने ऑर्गेनिक पढ़ लिया, भाई ऑर्गेनिक कौन से होंगे? हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव ऑर्गेनिक होंगे। उनके अलावा जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं ना, और उन एलिमेंट्स से मिलने वाले बनने वाले कंपाउंड्स, उन सबको हम किस में स्टडी करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है। फोर्थ ब्रांच है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। अब भाई बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री में हम किस चीज को पढ़ते हैं? बायो का मतलब होता है लाइफ, और केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं केमिकल्स को, उनके प्रोसेसेस को, केमिकल रिएक्शंस को। अब ऐसे नाम से डेफिनेशन में आते हैं ना, ठीक है। बायो मींस लाइफ एंड केमिस्ट्री मींस केमिकल, केमिकल प्रोसेसेस या केमिकल रिएक्शंस। अब भाई नाम से अगर डेफिनेशन बनाए तो कैसे बनेगी?
ऐसे केमिकल रिएक्शंस या ऐसे केमिकल प्रोसेसेस जो हमारी लाइफ से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम किस में स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। जैसे कि डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, दैट डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम किस में स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पेट में एसिड होता है तो वो एसिड क्या है, केमिकल, लेकिन रिलेट किससे कर रहा है, हमारी लाइफ से, तो हम उसे किस में स्टडी करेंगे, बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। उसके अलावा हमारे फूड में जो हमारे एनर्जी फैक्टर्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट से फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, ये सारी चीजें क्या हैं, केमिकल्स ही तो हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही तो हैं, इन्हें हम किस में स्टडी करते हैं, ये हमारी लाइफ से रिलेटेड हैं, हमारी बॉडी में होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होते हैं। तो जैसे कि ग्लूकोज है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनता है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो ग्लूकोज केमिकल, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाले कंपाउंड या लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो रिलेट करते हैं कंपाउंड्स उन्हें हम किस में स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। क्लियर है। फिफ्थ ब्रांच हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब भाई इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या भला है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस, किसके साथ डील करती है, केमिकल प्रोसेसेस के साथ डील करती है, इन द केमिकल इंडस्ट्रीज में, कहां पर डील करती है, केमिकल इंडस्ट्रीज में डील करती है। ठीक है, किस चीज के लिए डील करती है, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। अब देखो हम जो केमिकल तैयार करते हैं ना, हम जो चीजें तैयार करते हैं वो हम दो लेवल पे करते हैं, एक लोअर लेवल और एक अपर लेवल। लोअर लेवल जिसको हम लेबोरेटरी लेवल बोले तो गलत बात नहीं होगी, क्योंकि हम लैब में जो है कम क्वांटिटी में तैयार करते हैं केमिकल्स को, अगर हमें किसी रिएक्शन के लिए चाहिए होता है तो। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल की, तो हमें इंडस्ट्रियल लेवल पे हम बल्क में चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि अगर हम फर्टिलाइजर बना रहे हैं इंडस्ट्री में तो वो हम बल्क में बनाएंगे, सीमेंट अगर हम बना रहे हैं तो वो हम बल्क में बनाएंगे, तो वो सारा कौन सा लेवल हो गया, इंडस्ट्रियल लेवल हो गया। अब भाई सिंथेटिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स उन प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं जो केमिकल्स से बनते हैं या आर्टिफिशियली बनते हैं, नेचुरल सोर्सेज से नहीं बनते, उन प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। अब जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के कुछ ना कुछ केमिकल प्रोसेसेस होंगे, तो वो सारे कहाँ होते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में, तो इन सब को हम किस में स्टडी करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर साइंस के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर साइंस जैसे कि एटम बॉम्ब वगैरह, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री भाई क्या बोला है, दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज, जो किसके साथ डील करती है, रेडियो एक्टिविटी के साथ, न्यूक्लियर पावर के साथ और न्यूक्लियर प्रोसेसेस के साथ। अब भाई रेडियो एक्टिविटी जो है मेनली हमारे पास आजकल मेडिसिन के तौर पर यूज हो रही है, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स हैं तो कैंसर पेशेंट्स का जो है वो इलाज कैसे हो रहा है, रेडिएशंस के थ्रू हो रहा है। ऐसे ही अगर हमें पथरी वगैरह हो जाती है, वो भी अगर कोई ऑपरेशन नहीं करवाता तो रेडिएशंस के थ्रू उसे निकाला जा सकता है ना, तो वो सारी क्या है, रेडियो एक्टिविटी है। उसके अलावा न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज, यानी कि आपके जो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनते हैं उनका क्या प्रोसेस होता है, उनको बनाने का, उनको डीएक्टिवेट करने का क्या प्रोसेस होता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारी हम किस में स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। ये हमारी 6 ब्रांचेज हो गई, फर्दर मोर हम पढ़ते हैं। 7th हमारे पास ब्रांच है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है हमें नेम से ही क्लियर हो रही है कि हमारे एनवायरमेंट में जो केमिकल्स होते हैं उनकी स्टडी हम करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, जैसे कि दैट डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स, ह्यूमन, सिंपली लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो पूरा एक एनवायरमेंट होता है, उनकी सराउंडिंग होती है, उसमें जो डिफरेंट केमिकल मटीरियल्स होते हैं और उनका इफेक्ट, केमिकल मटेरियल्स का हमारे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट हम किस में स्टडी करते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक सिंपल सी गैस लें हम, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस केमिकल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अगर हम इम्पैक्ट देखें हमारे सराउंडिंग में,
हमारे एनवायरनमेंट पे, या उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, जो भी एक्स वाई जेड, वो हम सारा किस में स्टडी करेंगे, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास ब्रांच है, एट्थ ब्रांच, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम दो चीज़ों के साथ डील करते हैं, डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस। अब सेपरेशन पहले हम देखते हैं, सेपरेशन भाई किन की, डिफरेंट केमिकल्स की सेपरेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ब्लैक इंक और ब्लू इंक को मिक्स कर दिया, तो आप उनको आपने मिक्स कर दिया, अब आप उन्हें अलग करना चाह रहे हो, तो आप उनकी सेपरेशन तो करोगे, लेकिन उनको सेपरेशन करने का तरीका कौन बताएगा? एनालिटिकल केमिस्ट्री बताएगी। इसमें हम जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रोमेटोग्राफी वगैरह पढ़ते हैं, या स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, ये सारी हम चीज़ें पढ़ते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। अब सेपरेशन के बाद है एनालिसिस। एनालिसिस करना मीन्स जानना किसी भी चीज़ को। अब एनालिसिस किस चीज़ की? काइंड, क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ वेरियस कॉम्पोनेंट्स इन अ गिवन सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस आपको दिया हुआ है, उसमें उसकी आप जो है काइंड देख रहे हो, क्वालिटी देख रहे हो और क्वांटिटी चेक कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर एक विलेज है, वहाँ पे लोगों को जो है वो स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, और वो स्किन प्रॉब्लम जो हो रही है वो किसी ना किसी केमिकल की वजह से हो रही होगी, या तो उनके खाने में या पानी में कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से उन्हें वो केमिकल प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने एक एनालिटिकल केमिस्ट जो है, एनालिटिकल केमिस्ट्री को जो स्टडी करता है उसे हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट। हमने एक एनालिटिकल केमिस्ट को हायर किया और हमने उससे कहा कि भाई देखो ये किसकी वजह से हो रहा है, उनके खाने की वजह से या उनके पानी की वजह से। तो उसने देखा कि ये गाँव में जो नहर है जैसे लोग पानी पी रहे हैं, वहां पे एक केमिकल है, वो केमिकल आ रहा है किसी जगह पर इंडस्ट्री से, कौन से वो उस केमिकल की वजह से जो है उन्हें वो बीमारी हो रही है। वो क्या चेक करेगा? केमिकल की पहले काइंड चेक करेगा, जो वो केमिकल है वो किस टाइप का है, उसकी काइंड क्या है, उसमें कौन सा एलिमेंट है या कौन सा कंपाउंड है। तो सबसे पहले वो उसकी काइंड चेक करेगा, उसके बाद वो उसकी क्वालिटी चेक करेगा, वो प्योर है, इम्प्योर है या किसी और के साथ मिक्स है, कुछ किस फॉर्म में, उसकी क्वालिटी चेक की। फिर वो उस पानी में उसकी क्वांटिटी चेक करेगा कि भाई इस पानी में जो इस केमिकल की क्वांटिटी है वो कितनी क्वांटिटी में, वो कंसंट्रेटेड है, वो डाइल्यूट है, वो किस क्वांटिटी में। तो वो सारा जो है एनालाइज करेगा, एनालिसिस करेगा उसको। उस किस में स्टडी करते हैं हम? एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। उसके बाद है हमारे पास नाइन्थ ब्रांच, मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री ये भी नाम से क्लियर हो रही है, अबाउट मेडिसिन है। That deals with the synthetic organic chemistry, pharmacology and various biological specialties. Simply हम medicinal chemistry में हम organic chemistry, synthetic organic chemistry, यानी कि वो चीज़ें जैसे कि pharmacology वगैरह, pharmacist वगैरह जिसको study करते हैं, या pharmacy के बारे में, means कि simply हम drugs के बारे में, medicines के बारे में study करते हैं, इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री में। उसके अलावा वेरियस बायोलॉजिकल स्पेशलिटीज, बायोलॉजिकल स्पेशलिटीज मींस के फर्दर हमारे पास जो जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, या कुछ जैसे कि हमने लास्ट ब्रांच में पढ़ा था रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी के थ्रू ट्रीटमेंट्स होते हैं, आपकी एमआरआई की मशीन है, सिटी स्कैन वगैरह, ये स्पेशलिटीज़ आ गई ना, बायोलॉजिकल स्पेशलिटीज़ हो गई। तो इन सबको हम किस में स्टडी करते हैं? मेडिसिनल केमिस्ट्री में। टेंथ हमारे पास ब्रांच है क्वांटम केमिस्ट्री। भाई क्वांटम केमिस्ट्री क्या है? दैट डील्स विद द एप्लीकेशन, मैकेनिक्स एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फिजिकल मॉडल्स ऑफ केमिकल सिस्टम। अब आपका जो पूरा एक केमिकल सिस्टम है, आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, उसका पूरा एक केमिकल सिस्टम होगा, उस पूरे केमिकल सिस्टम का हमने बनाया फिजिकल मॉडल, ठीक है, फिजिकल मॉडल। फिर हम उसमें देखेंगे कि जो हमारा केमिकल सिस्टम है उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसका मैकेनिक्स क्या है, मींस कि उसका मैकेनिज्म क्या है, वो कैसे हो रहा है, केमिकल रिएक्शन जो है वो किस तरह परफॉर्म हो रहा है, उसका मैकेनिक्स क्या है, उसकी एप्लीकेशंस, उस वो अप्लाई कहाँ कहाँ हो रहा है, उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, हमारी डेली लाइफ में, केमिकल यूजेज में, इंडस्ट्रीज में, लेबॉरेटरी में, कहीं भी हो, वो सारा हम किस में स्टडी करते हैं? क्वांटम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। उसके बाद लास्ट हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच है ग्रीन केमिस्ट्री। दैट डील्स विद द प्रोसेसेस एंड डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स विच आर कंपोज्ड ऑफ लेस हैजर्डस सब्सटेंसेस। अच्छा जी, ग्रीन केमिस्ट्री क्या है?
ग्रीन केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं प्रोसेसेस और डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स को पढ़ते हैं जो कि किससे बने हुए होते हैं, लेस हैजर्डस सब्सटेंसेस से, यानी लेस हार्मफुल, ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे लिए कम हार्मफुल होते हैं या बिल्कुल ही हार्मफुल नहीं होते, उन चीज़ों को हम किस में पढ़ते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यानी कि हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं, केमिकल प्रोसेस कर रहे हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल है या उसमें जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हैं, तो हम कोई ऐसी चीज़ ढूंढते हैं, कोई ऐसा तरीका या कोई ऐसा केमिकल जो उसको रिप्लेस कर दे जो हमारे लिए हार्मफुल भी ना हो, उसे हम किस में स्टडी करते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री में। जैसे कि फॉर एग्जांपल थर्मोमीटर्स पहले जो आते थे ना उनमें मर्करी होती थी, अब हमने मर्करी को किससे रिप्लेस कर दिया, अल्कोहल से। पहले मर्करी थर्मामीटर आते थे, अब अल्कोहल थर्मामीटर आते हैं। जो थर्मामीटर में जो राइज अप होता है ना वो अल्कोहल होता है, पहले वो मर्करी होती थी। मर्करी क्यों लेते थे, मर्करी जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, मर्करी जो होता है लिक्विड फॉर्म में लेकिन मेटल होता है, और वो जो है अगर मुंह में हमारे थर्मामीटर टूट जाए तो वो हमारे पेट में अगर जाए तो हमारे लिए हार्मफुल होता है, तो इसलिए हमने उसको रिप्लेस कर दिया लेस हैजर्डस सब्सटेंसेस से। उसके अलावा रिसेंट अगर एग्जाम्पल दूँ, पहले गाड़ियों का जो है धुआं बहुत ज़्यादा होता था ना, जो फ्यूल पे चलती थी, पेट्रोल पे चलती थी या डीजल वगैरह पे चलती थी, लेकिन अब हमने उसको रिप्लेस कर दिया। हमने रिप्लेस किससे किया, बैटरी वाली गाड़ियों से। बैटरी वाली गाड़ियों का स्मोक नहीं निकलता, तो वो जो पहले स्मोक निकलता था वो हमारे लिए हैजर्डस होता था, हार्मफुल होता था, लेकिन अब हमने उसे किससे रिप्लेस कर दिया, लेस हैजर्डस सब्सटेंस से। तो इन सारी चीज़ों को हम किस में स्टडी करते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री में। थैंक यू।